वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा शरीर परमात्म तत्व को प्राप्ति करने के लिए ही मिला है। मानव शरीर का और कोई उपयोग नहीं है। लोगों की जैसी हुई है कि रुपया खर्चा करने सुख भोगे, महान अनर्थ का कारण है। आज रुपया कोई बात नहीं, रुपया ही खर्चा करना, भोग भोगना, यश प्रतिष्ठा मान वाह वाह हो जाए, महान पतन की बात।
इससे भी बहुत ज्यादा पसंद की बात है पापों की। पाप है वो बहुत ज्यादा ही पसंद करने वाला। एक बात याद आ गई, पुरानी बात मैंने सुनी है, शेर जी श्री जयदयाल जी वो कहते थे कि कौन भूमि में कैसा है, तो हरिकृष्ण जी उनके भाई थे, उनसे एक पंडित ने पूछा अरे छोरा तू किस भूमि का महर है, तो उत्तर दिया कि दादा मैं तो खड्डे में हूँ, भूमि का तो ऊपर आ रहे भाई, मैं तो खड्डे में, भूमिका तो ऊपर आवाज, किसी भूमिका से जाऊ तो भूमिका से जा। तो पाप करना है बहुत नरकों में जाना है, बड़े भारी नरकों में। पापों में अधिक से अधिक पाप चार बताए, महापातक इतने बड़ा बताया है। इसी केस में एक संत ने कहा था कि भाई हिंदू है और आप से आप मरी हुई गाय का मांस खाएगा हिंदू तो उतना पाप नहीं है जितना पाप में चार पापों में, चार पाप बताए महापातक बताए, महापातक जो पातक है महापातक। एक तो ब्राह्मण की हत्या और एक मदिरा पान दारू पीना, एक गुरु पत्नी गमन, गुरु पत्नी गुस्ती बना मेरा, चौथा सोने और रत्नों की चोरी, ये चार महापातक है, बड़े भारी हत्या की बात है। गो हत्या से भी ज्यादा इनकी हत्या मानी है, महापातक है। और पराशर स्मृति में आया है ब्रह्म में त्याय यद पापों तब पापों गर्भपात ने, दुगुण गर्भपात ने, ब्रह्म हत्या का जो पाप होता है उसने दुगुना होता है गर्भपात में, गर्भपात कर देना किसी से गर्भपात हो जाए तो ब्रह्म हत्या यद पापों दुगुण गर्भपात ने प्रायस्त्यागो, उसका प्रायश्चित नहीं है। ये गर्भपात की बात बड़ी भारी भयंकर है। मैंने कई वर्षों पहले ये बात कही थी, सुमत 25 में हमारा चातुर्मास हुआ था श्रृंखल में, तब से कहता हूं उससे पहले भी मैंने कहा है कि ये बहुत अन्याय की बात है, ये ऑपरेशन कह रहे हैं ना, और नसबंदी करना, लूप लगाना पाप है, परंतु गर्भपात महान पाप, बड़ा भारी पाप है। मेरे को कहा तुम्हारे राज पकड़ लेंगे, राज से वृद्ध बोलते, हम राज से वृद्ध नहीं बोलते, हम तो शास्त्र सी बात कहते, हमारे कोई डर है ही नहीं किसी से, परंतु है महापातक की बात। कर्म गाड़ी से उतरे तो स्टेशन पर बड़े बोर्ड में लिखा हुआ गर्भपात का नहीं बात, बाहर आया तो बाहर बोर्ड दिखे हुए गर्भपात करने की बात, कितना महान भयंकर पाप है। कई वर्षों पहले मैं गया था भदोरा, हमारे साथ राजपूतों के चारणों के साथ संबंध रहा बचपन से, बचपन से है दासोड़ी है हमारा खास स्थान, तो बचपन से जब हम गेंद खेलते थे, छोरा खेलेगा दड़ी खेलेगा दड़ी रमता, तब से मेरा संबंध है इस चारण जाति से, तो मेरे को तो चारणों का रजपूता भी साथ करते हैं यही आदमी, आजकल बढ़िया तो साथ हो गया, मैं बढ़िया मजाने लग गया, बढ़ने का मेरे साथ बहुत से बचपन से। तो भद्रे में मैंने कहा था कि तुम ऐसे करो अपनी जाति का नाश मत करो, शायद मिलकर के ऐसा करो कि हम नशबंदी नहीं कराएंगे,
हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, हम लूप नहीं लगाएंगे और गर्भ बात तो करते ही नहीं, करेंगे ही नहीं। पहले नहीं हुआ था सर, किस हुआ? तो कई भाइयों ने कहा तुम्हारी जाति का नाश हो जाएगा। हिंदुओं की गणना हुई, सरकार ने प्रकट नहीं किया हिंदू कितने हैं। मर्दन शुमारी में गणना हुई जिसमें किसी को मालूम तो बताओ भाई हिंदू पहले मर्दन शुमारी कितने थे, जिसमें कितने रहे, कोई जानकार बताओ। छुपा कर बात रखी है, 40-50 करोड़ हिंदू का मरा है एक गर्भ गिराने से, लूप लगाने से और इसके गर्भपात करने से। महान पाचक है, 4 महापाचक है। उनका बताया है कि महापाचक करने वाले का अगर 3 वर्ष संग कर रहे वो न करे तो भी वो पाप जो दंड होगा महापाचक का वही उसको पाप होगा, उसे दुगुना पाप बताया गर्भपाचक। महान पाचक चाहते हो परमात्मा की प्राप्ति उद्धार कल्याण और करते हो गर्भपात, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ स्टेशन पर, जोधपुर स्टेशन पर मैंने पढ़ा है, कल पढ़ा है और बोर्ड पढ़े हैं, जयपुर में पढ़ा है, ब्याह हुए उसमें भी ये प्रतिज्ञा करो। बड़ा भारी अपमान है, हिंदू जाति का बड़ा अपमान है और नाश हो जाएगा। हमने एक बात सुनी है, सच्चाई का पता नहीं, ये तो बात सच्ची मैं कहता हूँ, अब एक बात कहता हूँ उस सच्चाई को मेरा पता नहीं, सुनी मैंने जरूर है कि 100 वर्षों के भीतर भीतर हिंदू जाति नहीं रहेगी, हिंदू जाति का नाश कर देना है। हिंदू मास कितने विलक्षण शास्त्र है हमारे, कितना विलक्षण सिद्धांत है, दुनिया मात्र का हित करने वाला, उनके नाश की ये स्कीम है। और ये हमारे भाई बहन अपना से, ये हमारी बहनों को जोर से प्रचार करती है, मैं कह रहा तुम करा ले, तुम करा ले, तुम करा ले, और गर्भ गिरा दो। महान पाप में क्यों बनते हो आप? चाहते हो परमात्मा की प्राप्ति कल्याण और करते हो महापाचक से दुगुना पाप। ये 4 महापाचक है तो इसे दुगुना बताया, ब्रह्म पापम विघटन गर्भपात में प्रायश्चित नास्ति, उसका प्रायश्चित नहीं है। त्याग वो भी जल्दी कोई करती हो तो पुरुष को चाहे दूसरी का त्याग कर दे, जो गर्भपात करे उसका। और मैं तो वर्षों से कहता चलाया हूँ भाई मेरे को पता नहीं है, परंतु कृपा करना हम साधुओं को तुम भिक्षा मत देना, जिस घर में गर्भपात हुआ है उस घर का अन्न हमारे को मत देना, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। महापाचक लोग उसका अन्न बहुत ही नीचा, बहुत ही खराब है, तो भाई हमारे को अन्न मत देना। हमें पता नहीं किस घर में क्या हुआ है, हमें क्या पता, अनजान आदमी हमको, तो हमें वो भिक्षा मांगने खाते हैं। आजकल भिक्षा मांगने को नहीं जाता हूँ, एक तो ये गर्भपात की बात, एक गायों का घी है वो मिलता नहीं है, मैं पहले गाय का घी खाऊंगा, वो घी जरूरत नहीं, लू की रोटी दे दू, लू की खींची दे दू, बड़ी प्रसन्नता से पाऊंगा, बड़ा अच्छा रहता है, अग्नि भी ठीक रहती, पाचन शक्ति भी अच्छी रहती है और स्वास्थ्य भी मेरे को है। तो गर्भपात किए हुए घर का अंग महान पतन करने वाला, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप करने वाले, उनके घर का अंग जल भी लेना बहुत खराब। तो हमारे को तो बचाना कृपा करके, आप इतने भाई बहन बैठे हो तो भाई इस महापाप से हमारे को बचाना, आप कृपा करके बचाओ तो हम बच सकते हैं, ये तो हम क्या करें, भिक्षा देगी जानते हैं नहीं हम, पता तो नहीं जाएंगे, उस भिक्षा लेंगे ही नहीं। आजकल कोई लाता है भिक्षा तो उसको पूछ रहे हैं, वर्षों से मेरा ये सिलसिला चल रहा है, जहाँ जहाँ मेरा काम बढ़ा है, ऋषि कृष्ण में, स्वर्गाश्रम में, जोधपुर में, बीकानेर में, सिलसिला में, कहीं कहीं जो व्याख्यान हुए हैं, चतुर्मास हुआ है, मैंने जोर से कहा है कि हमारे को भिक्षा मत देना। अब मैं क्या करूँ, मानते तो आप हो नहीं, महान महान पाप करने में केवल सुविधा हो जाए, आराम हो जाए,
हमारे माँ बाप अगर ऐसा आराम अचकल थे तो हमारी क्या दिशा होती, हमारा जन्म होता? आप बताओ जरा, मेरे को पूरा पता नहीं है, मैं सातवां बालक हूं, मैं सातवां बालक, हमारी माँ के बालक हुए मैंने पूछा नहीं, परंतु छह की गिनती हमें याद है, फिर लड़का हुआ मर गया, फिर बहन हुई, फिर भाई हुआ, किसी में जन्म तो गर्भ एक होता दो फिर कैसे जन्म होता बताओ, कैसे हमारा जन्म होता? नगर कौन है जाए इस भूमि में आ जाए, उसको गर्भ पात करके आप हिंदुओं की संख्या नष्ट कर रहे हो, पारमार्थिक उद्देश्य में चलने वाले उस वंश का नाश कर रहे हो, बड़ा भारी पाप कर रहे हो, बड़ी भारी हत्या कर रहे हो, कृपा करो कृपानाथ ऐसी हत्या मत करो, संयम रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अलग अलग रहो, हम तुम्हारे कुछ नहीं कहें, पाप क्यों करो, अन्याय क्यों करो, अगर संतान कम चाहो तो अलग रहो, एक दो संतान हो जाए फिर संयम रखो, हम कोई बाधा नहीं कर देते, परंतु महापातक करो, गर्भ गया जैसा पाप करो, नसबंदी करो, रूप लगाओ, ऑपरेशन करा दो स्त्रियों की जिन्हें पैदा न हो संतान, कितना बड़ा भारी पाप है, महापाप है, हमें तो बहुत दुख होता है, हम करें क्या, हमारी चलती नहीं, हृदय में जलन होती है, और कहे किसको, आप लोग नहीं सुनते, बीकानेर अस्पताल में एक भाई ने कहा कि जितने गर्भपात करने वाले, नसबंदी करने वाले, ऑपरेशन करने वाले स्त्रियां आती है, ज्यादा सत्संगी है, एक भाई ने कहा मेरा श्रीवास ज्यादा सत्संगी है, ये क्या सत्संगी है जो ऐसा ऐसा महान भयंकर पाप करे, जाति नष्ट हो जाएगी, कुल नष्ट हो जाएगा, दशा क्या होगी भगवान जाने। महाभारत में कौरव और पांडव दोनों को युद्ध हुआ, आपस में भाई युद्ध होता है, लड़ाई होती है, जहाँ एक जाति वहां होती है, ब्राह्मणों के समारोह के कभी हुई हो लड़ाई बताओ, इतिहास में बताओ, आज के दिन सब एक हो जाओ जो लड़ाई मिट जाए, सोलह गुण लड़ाई हो, सोलह गुण लड़ाई कैसे मिट जाएगी, एक एक मन चरण चरण करेंगे तो सोलह गुण लड़ाई होगी, क्यों लड़ाई होती है स्वास्थ्य से, कुरु और पांडव है दोनों, कुरु में कौरव सब कौरव ही होते हैं, परंतु दुर्योधन के और युधिष्ठिर महाराज के युद्ध हुआ, असर रक्षों की सेना मरी, भाइयों में हुआ, जहां युद्ध होता है वहां भाइयों में होता है, एक जगह दिन की जीविका होती है वहां युद्ध होता है, जीविका दिन की अलग अलग होती है, उनको युद्ध नहीं होता, आंखों में झूल झोंक रहे हैं और हमारे भाई बहन मान रहे हैं, अब क्या करें, कहां जाएं, किसके अगर ही रोवे, कौन सुने हमारे रोना, महापाचक मत करो, वहां भयंकर पाप कर रहे हो, क्या दशा होगी, यहाँ किए हैं कर्म निशंक मानी, वहां जाप कसु नहीं आएगा जी, हकपू से हिसाब हजूर माए जब लेगा दिया नहीं जाएगा, कैसे बगराम सो सास और चोर भया जरदम के हाथ बिकाएगा, ये दशा क्या दशा होगी, माताओं बहनों से कहना है बहुत तंग करती है ये स्त्रियां, बहुत तंग करती है कि तुम अपहरण करा लो, तुम गर्भ गिरा दो, बहुत करती है, ऐसे भाई मेरे को मिले, यदि मेरी स्त्री को बहुत तंग करती है स्त्रियां कि तुम गर्भपात करो, तुम अपहरण करा लो, क्यों पाप के भागी बनते हो, इसलिए महान हत्या के पाप के भागी बनते हो, चाहते हो कल्याण तो उद्धार हो जाए, ये कल्याण का रास्ता नहीं है, हत्या करना महान हत्या, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप बताया, पाराशर स्मृति में है, श्लोक है, लिख लेना, देख लेना आप, स्मृतियों में ऐसी बात आती है, ऐसा महान भयंकर पाप करते हो और चाहते हो हमारा कल्याण हो जाए, कैसे कल्याण हो जाएगा, नौ नौ अक्षौणी सेना थी दोनों तरफ, दो अक्षौणी सेना दुर्योधन ने चालाकी से ले ली,
एक तो कृष्ण भगवान के पास में गया, एक शल्य की एक सोनी सेना, ये दोनों सेनाएं पांडवों के पक्ष में थी। वो दो लड़ने से क्या हुआ, पांडवों की होगी 7 अक्षरणी, इनकी होगी 11 अक्षरणी। 2 अक्षरणी का फर्क पड़ने से 4 अक्षरणी का फर्क पड़ा, 2 अक्षरणी का फर्क पड़ने से 4 अक्षरणी फर्क पड़ा। ऐसे हिंदू जाति से अब वे मनुष्य जन्मेंगे तो मुसलमान जन्मेंगे, ईसाई जन्मेंगे, उनकी 4 गुना अधिक संतान होगी। और बोध का है जमाना, किसका बोध होगा, किसको राज्य मिलेगा। आप थोड़ा सा संडे दिमाग से विचार तो करो, सोचो तो सही, महान पाप की बात में जा रहे हो आप, बड़े भारी नरकों की तैयारी कर रहे हो। बतेरे में मैंने कहा था तुम 4 जाति इकट्ठी होकर के और कि हम अपने जाति का नाश नहीं करेंगे, आपको करना चाहिए विरोध, और कौन सुनता है, मेरी बात सुनते नहीं, कहता हूँ कोई सुनते नहीं, सुनवाई नहीं होती, राज में भी कार्रवाई नहीं होती तब कहते हैं राज में सुनवाई नहीं होगी, ऐसे मेरी सुनवाई नहीं करते। कई भाई बहन ऐसे है जिन्होंने सुनवाई की है। ये व्यापार करना, उस व्यापार में झूठ कपट जलसादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी बहुत करते हैं। आजकल इनकम टैक्स और सेल टैक्स चोरी बड़े बड़े व्यापारी प्राय करते हैं, कोई सही नहीं होता, हमें पता नहीं है, पर करते हैं। उन लोगों ने बात करिए कि क्या करें, मैं कहूँ तुम पाप मत करो, कितना ही पुण्य करो, पुण्य से पाप हटेगा नहीं, पुण्य का और पाप का फल अलग अलग मिलेगा। एक कथा मैंने सुनी है, एक आदमी 100 रुपये मांगता था, तो उसने कहा कर 100 रुपये दो, कैसे काटी में दे देंगे, काटी आई रुपया लो, कैसे परसों दे देंगे, परसों गया तो अब 2-3 दिन बाद दे देंगे, कई बार गया तो कैसे रुपया वो चमड़े लेकर काट दो चमड़ा, कैसे दे देंगे, है नहीं मेरे पास में, उसने 2-4 चमार दी जूतों की, कि मेरे को तंग करता है, मुझे ना हो मुझे रुपया देता नहीं है, उसने नालिश कर दी। राज में पकड़ बुलाया कि तेने मारा, कहा सर मैंने मारा, क्यों मारा, कि मेरे रुपया देता नहीं, कहते तुमने कल दे देंगे परसों दे देंगे, इस बात के साथ कि 5 जूते मारे, हाँ जाओ तुझे मैंने मारे, 5 रुपये काट लो, 100 में से 5 काट लो, कहते ये या नहीं होगा, ये फौजदारी मामला है, वो दीवानी में जवा करो, वहां होगा, यहाँ सुनाई नहीं होगी, यहाँ तो जूता मारा उसका दंड होगा, पाप का दंड अलग होता है और पुण्य का फल अलग मिलता है, इस बात यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो दंड भोगना पड़ेगा, तुम जूते मारे इस बात का। तो ऐसे पाप करते हो इसका फल पुण्य से नष्ट नहीं होता, आप पुण्य करो, दान करो, जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, ऐसे पाप नष्ट होते हैं, परंतु जान करके ऐसे भयंकर पाप करते हो उसका नाश नहीं होगा, और पापों का नाश नहीं होगा, दंड भय भोगना पड़ेगा। दान पुण्य आदि तो है दीवानी, और ये पाप है फौजदारी, महकमा अलग अलग है, इसमें देगा नहीं। तो इधर तो आपकी संख्या घटेगी घटती चली जा रही है, सरकार डरती है हिंदुओं की संख्या कितनी हुई बताया नहीं, कोई आप बताओ तो आप बताओ, इसने बैठे बताओ, अभी मतलब सुमारी हुई जिसमें हिंदुओं की संख्या कितनी हुई, 40-45 करोड़ कम हुई, ऐसे मैंने सुन करके अंदाजन लगाया, पता नहीं मेरे को, मेरे पास आंकड़ा है नहीं, परंतु जिस साल से चले हो इस साल से इतना कम हुआ है, इतनी ज्यादा दुगुने बढ़ गए मुसलमान ईसाई, क्योंकि मनुष्य जन्म रहेगा और आपने कर दिया बंद, तो मनुष्य जन्म का वो होगा तो कहाँ होगा, आप इन्हें बैठे बताओ बुद्धिमानी से, मनुष्य बनेंगे कहाँ बनेंगे, मुसलमान ईसाई में बनेंगे, इसका अर्थ ये नहीं मैं मुसलमान को खराब समझता हूँ, ईसाई में खराब समझता हूँ, असल में विरोध करता हूँ, मैं विरोध नहीं करता, मैं तो आपको चेतावनी देता हूँ, आप क्यों अपना नाश कर रहे हो, राज्य का नाश कर रहे हो, अपने धर्म का नाश कर रहे हो, अपने शरीर का नाश कर रहे हो। जोधपुर में एक नायन है
अब है कि नहीं पता, पहले की बात है। वो कहती मैंने कई गरीब गिराए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे एहलकार की बेटियां गर्भ होती, उस कुआई फिर गर्भ मैंने गिराया है, और उसे कितनी कितनी बीमारियां होती है, कमर कर में दर्द होगा, छाती में दर्द होगा, सिर में पीड़ा होगी, चक्कर आएंगे, ऐसी बात स्त्रियों की होती है, और प्रदर हो जाता है, खून गिरना शुरू हो जाता है, पीला वो खून बंद नहीं होता, दवाई से बंद नहीं होता, इसमें प्रदर हो जाता है, उससे ऐसी भयंकर बीमारी होती है। उस नायक ने मेरे को कहा था, मैंने देखा है कि इतनी बीमारियों क्यों मौत लेते हो, और जो आदमी नसबंदी कर देते हैं उस आदमी का हृदय कमजोर हो जाता है, जोर से तोप छूटे तो हार्ट फेल हो जाए, ऐसा कमजोर हो जाता है। पुरुष में पुरुष बना, मर्द बना गया, जो गर्भ स्थापन न कर सके वो पुरुष है, जो हमारी बहन कोई गर्भ धारण न कर सके वो माँ बनेगी। आप बताओ कितना माँ का दर्जा ऊंचा। रामचंद्र जी महाराज वनवास में जाने लगे, कौशल्या माँ के पास गए, नमस्कार किया कि माँ फिर बेटा कुछ खा लो, आज सवारी निकलेगी, बहुत देरी हो जाएगी, कुछ खा लो, माँ का जी है, खा लो, खा लो बेटा, कुछ खा लो, मतलब कुछ खाओ। कहते माँ मेरे को राज्य मिल गया, जंगल का राज्य मिल गया, पिता जी ने दे दिया 14 वर्ष का वनवास, बड़ा दुख हुआ, कौशल माँ कर जी ने खोल कर गया। कहते हैं तुम्हारे पिता ने वनवास में जाने का कहा है तो जन जाओ, जान बड़ी माता, माता का दर्जा ऊंचा होता है। मैं कहता हूँ तुम वनवास मत जाओ, मेरी बात और तुम्हारे पिता की बात दोनों टकराए तो वहाँ माता का दर्जा ऊंचा होता है। मैं कहती हूँ तुम वनवास मत जाओ, और जो पितुमा से करो बन जाना, अगर एक ही माँ ने तुम्हारे को बनवाया जाए कह दिया है तो कानन शक अवध समान, तो जंगल है तुम्हारे 100 जग समान है, मैं 1 अयोध्या में रखती हूँ, पिता से 100 गुना अधिक जन्म देने वाली माँ का, जन्म देने वाली माँ की अपेक्षा दूसरी माँ का 100 गुना अधिकार है। तो केके ने कह दिया है तो बेटा मैं नहीं बोलती, क्यों माँ ने कह दिया, माँ का दर्जा ऊंचा हो, मेरे से दर्जा उसका ऊंचा है, तुम्हारे लिए पालन करने के लिए इतना जिसका ऊंचा दर्जा, वो माँ की हत्या, मैंने तो एक पुस्तक लिखी है मातृ हत्या, मत करो, कन्या देख करके गिरा देने गर्भ गिरा देते, लड़का हो तो फेर में कन्या हो तो गिरा ही देते हैं। मातृशक्ति है आपकी, मातृशक्ति संसार को उत्पन्न करने वाली, उस मातृशक्ति का नाश कर रहे हो, कन्याओं को गिराते थे और कहते ऐसा हम नारी जाति की रक्षा करते हैं, वो सामने ले गया ढोल कुमार सुधीर बसु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उन्होंने अपमान किया नारी ऐसा, ये अपमान नहीं है जो कन्याओं गर्भ में गिरा देना, ये क्या चीज है, जवाब दे मेरे को कोई भाई, बताओ मातृशक्ति का जन्म से ही नाश कर देते हो, वो मातृशक्ति है कन्या जन्मेगी माँ बनेगी माँ, उस मातृशक्ति का जन्म से नाश कर देते हो, दशा हो गई है आज महेश्वरी समाज में, ऐसी दशा हो गई लड़कों के लिए कन्या नहीं मिलती है, ये बात मैंने सुनी इसी घर में नापसंद है, कन्या नहीं मिलती, पैसा देने पर मोल देने पर भी लड़के बिकते थे, अब लड़कियां बिकेगी, लड़की थोड़ी हो गई, क्यों जो गर्भ गया लड़के थोड़ी, भगवान के यहाँ सब हिसाब है, लोग कहेंगे इतने संख्या पर जाए क्या खाएगी, जहाँ वृक्ष ज्यादा होते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है, तो मनुष्य अधिक होते वहाँ अन्न पैदा नहीं होगा, इतना अंधेरा है भगवान गया, आप उसकी पूर्ति कर दोगे, गर्भ गया कर हत्या कर करके महान पाप कर करके आप दुनिया का पालन कर लोगे, किस भाग भाव में भूले हो आप, ध्यान दो महापात मत करो, अन्नदाता कृपा रखो, आप अन्नदाता हो, अन्नदाता आपके घरों की रोटी खाता हूँ मैं, आप अन्नदाता हो, बालक की बात को ध्यान दो, बहनों माताओं आप ध्यान दो, मेरा रोना सुनो, बालक का माँ बाप रोना सुनते हैं, हम कहाँ से करते हैं, आप लोगों की आवाज में पाते हैं, हम अगर ऐसा पाप करते हो अन्याय करते हो क्या दशा होगी,
अरे हमारे को वन दे तो हमारी क्या दशा होगी, हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी तो अच्छी बात कौन सुनाएगा, बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो जाएगी तो हमारे को कभी मत देना। साधुओं को ऐसी भिक्षा मत देना जिस घर में गर्भपात हुआ हो, गर्भपात करते उन घर की भिक्षा पर मिल जानी है। बरसों से कहता आया हूँ, चला आया हूँ, तो आपने सुना ही होगा, मेरी बात छिपी हुई नहीं है। जहाँ जहाँ व्याख्यान देता हूँ मैं चोरे धारे बड़े जोर से कहता हूँ, गर्भपात करे उसके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न बहुत निकले तो महान पाचक है, ब्रह्मचारा हो, मदिरा पान करने वाला हो, पूर्वपत्नी गमन करने वाला हो, सोना और सुना चोरी करने वाला हो, ये महापातक होते हैं। उनसे दुगुना पाप गर्भ घास का है। गर्भ सब होता है, गर्भपात होता है और भ्रूण हत्या होती है। तीन तरह की भेद है। भ्रूण हत्या का बड़ा भारी पाप है, लड़का जन्मता है उसको मार देते हैं, वो भ्रूण हत्या है। राजपूतों का वर्णन आप महाभारत में देखो, भागवत में देखो, बहुत वर्णन आता है राजपूतों की संख्या का। आज राजपूती घट गई है, जिसमें एक तरफ राजपूत अपनी कन्या करते ही घोड़े में गाड़ देते हैं, मार देते हैं, उसे कम होगी, राजपूत रहेंगे कुंवरे, वंश खत्म हो गया। जिसमें महाभारत में भागवत में कथा राजपूतों की ज्यादा आती है, आज राजपूत कम हो गए, ऐसे आपकी ये प्रजा कम हो जाएगी, आपकी संख्या कम हो जाएगी। व्यवहार की दृष्टि से भी ये बात है, परमात्मा की दृष्टि से ये बात है, पाप की दृष्टि से ये बात है, महान पाप की बात है। तो भाइयों भाइयों कृपा करो, अन्यथा मेरे पर दया करो, ऐसे अपने वंश का नाश मत करो। हमारे को रोटी नहीं मिले, एक भाई ने मेरे से कहा कि स्वामी जी आप भिक्षा नहीं लोगे तो आपको रोटी नहीं मिलेगी। कोई घर ऐसा बचा नहीं जिसमें नसबंदी नहीं हुई हो, ऑपरेशन नहीं हुआ हो, गर्भगृह नहीं हुआ हो, ये कोई पाप नहीं हुआ, ऐसा घर नहीं बचा है हिंदुओं का। अरे मुसलमान नहीं कराते, ईसाई नहीं कराते, मुसलमान के तीन स्त्रियां है, साठ लड़का लड़की साथ, एक ऐसा मैंने सुना। अरे आपके एक अथवा दो, जिसमें एक ही बात आई है, बोर्ड पर देखा एक लड़का, ज्यादा तो दो, हम दो हमारे दो, बस इसी से संतान न हो, मरे गए तो कम होंगे ही, दो ही दो होंगे तो मर जाएंगे तो कम होगा कि नहीं, संख्या आपकी क्या रहेगी, सोचते नहीं हो, विचार नहीं करते। थोड़ी सी सुविधा भाई, थोड़ा थोड़े पालन पोषण करे, शिक्षा उनके पढ़ाई का प्रबंध, रक्षा का प्रबंध, ब्याह का प्रबंध करना पड़ता है, पहले इन्हीं में पापों घट जाए। राम राम राम, ये पाप काटते हो आप, पाप करते नहीं है, पाप बढ़ते हैं, महान भयंकर पाप बढ़ते हैं। इस वास्ते भाइयों से और बहनों से विशेषता से कहना है कि कृपा तुम मेहरबानी करो, ये पाप मत करो, अब भी बंद कर दो तो बड़ा अच्छा है, कुछ तो बचेगा, नहीं तो इन साल से चलते हुए तो हत्या हो जाएगी महान। अब एक बात एक मैंने सुनी है, कहां तक सच्ची है भगवान जाने, इलेक्शन में कोई खड़ा नहीं हो सकता, जैसे दो से अधिक संतान होगा वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, उसको वोट नहीं मिलेंगे, कोई खड़ा ही नहीं हो सकता राज्य की तरफ से जिसके दो से अधिक संतान है। ये किसके लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए है, क्या ईसाइयों के लिए है, वे खड़े होंगे राज्य में, आपको खड़ा नहीं होने देंगे, क्या करूंगी है आप में शक्ति कोई, ये अभी फरमान निकला ऐसे मैंने सुना है भाई, सुना है तो संदेह नहीं है, शक्ति कहाँ से है। राजस्थान घोषणा कर दी है सर के सरपंचों में, तो वो सरपंच नहीं बन सकता, वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता जिसके दो से अधिक संतान है वो, बताओ कैद में पड़े हुए आदमी अगर ऑपरेशन करा ले, नसबंदी कर ले तो उसको छुट्टी हो जाती है। कन्याकुमारी जाते हुए साधुओं को लेकर के नसबंदी कर दी, उनको काट दिया, नाड़ी काट दी, अब साधुओं क्या होता था, इनाम मिलता है राज्य से, सैकड़ों रुपये मिलते हैं, स्कूटर मिलता है, मोटर मिलती है, बर्तन मिलते हैं, जो इसे नसबंदी करावे, ऐसे गर्भपात करे उसको इनाम मिलता है। ये इनाम के भूखे क्या कर रहे हो आप, कितना पाप कर रहे हो, हत्या कर रहे हो, कृपा करो मंदाता,
थोड़ी सी कृपा करो, अब अपने वंश का नाश मत करो। क्या करूं मैं बताऊ, मेरे कोई उपाय बताओ। मेरे दुख होता है, जलन होती है, वो पाप आपको लगेगा। जो नसबंदी करते हैं, जो गर्भपात करते हैं, जो ऑपरेशन कराते हैं, उनको पाप लगेगा। हमारे जलन का पाप ही उनको होगा होगा होगा, पाना पड़ेगा उनको दुख। आप तो पापी बनते ही हो, तो हमारे जैसे भिक्षु बिचारी उनकी जलन हो रही है। कल गाड़ी उतरा तो सामने बोर्ड देखा हुआ, लोग स्टेशन में बोर्ड जब पास कर देगा, बाहर देगा तो बाहर बोर्ड देगा, बड़ा नया बढ़िया सब कुछ बोर्ड लिखा हुआ, घर पास कर देगा। हमारे से ये हो गया, मैडम क्या करो, राम 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 राम, क्या दशा होगी। आप सही सही नहीं हो, कहना भी नहीं सुनते हो, विचार भी नहीं करते हो, थोड़ा सा आराम हो जाए, बच्चों का पालन करना नहीं पड़े, तकलीफ न हो। अगर हमारे माँ बाप ऐसा करते तो हमारी क्या दशा होती, हम जन्म लेते। आपका हमारा इनका जन्म होता क्या, जन्म नहीं होता तो कौन साधु बनता, कौन इस परमात्मा के मार्ग में लगता, कौन दूसरों को कहता, कौन सुनाता, कौन पढ़ता, कौन तत्व को समझता, कौन समझाता। हिंदू संस्कृति के समान किसी की संस्कृति नहीं है, जिसमें कितने विलक्षण शास्त्र है, उन शास्त्रों का ज्ञान मैंने हिंदुओं को कहां करते। कलकत्ते में मैंने कहा तो कई साधु बोले महाराज ये काम तो गृहस्थों का है, अपना काम नहीं है, अपने भजन ध्यान करो। भजन ध्यान करेगा कौन, शास्त्र पढ़ेगा कौन, मुसलमान से पढ़ेगा नहीं, हिंदू रहेगा नहीं, कौन शास्त्र पढ़ेगा, हम बात किसको सुनाएंगे। लोग मेरे को कहते साधु कहते, मेरे कहते साधु है तो गृहस्थ है, क्यों क्यों जाओ इस्लाम में, तुम आप भजन ध्यान के कहो। अरे भजन ध्यान के कोई सुनने वाला मिले को मिले, कौन सुनेगा, कौन करेगा भजन ध्यान। जब हिंदू ही नहीं सो जाएंगे तो हमारी मुसलमान सुनेंगे, ईसाई सुनेंगे, यहूदी सुनेंगे, पारसी सुनेंगे, कौन सुनेगा बताओ। ये बड़े बड़े समुदाय है, पारसियों का समुदाय है, यहूदियों का समुदाय है, मुसलमानों का समुदाय है, ईसाइयों का समुदाय है और हिंदुओं का समुदाय है। हिंदू बात मेरी नहीं सुनते तो उसे कौन सुनेगा मेरी बात। हमारे को दुख होता है, आपके घर की रोटी खाते हैं, अन्न खाते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा आपको ठीक बात बताएं, पर आप मानते नहीं, हम क्या करें बताओ। राज हमारे पास नहीं, कैद कर दे इसलिए से। ये महाराज कहते हैं राजस्थान में घोषणा हो गई, वो सरपंच भी नहीं बन सकता, तीन संतान हो जाए, चार हो जाए, दो से अधिक संतान हो जाए, वो सरपंच नहीं बन सकता, वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। कितने अनर्थ की बात है, आप क्या नींद में सोते हो, होश में नहीं आते हो आप। अधिक संतान न हो जाए, नाश कर दिया, 40-50 करोड़ तो हिंदू कम हो गए अभी, और फिर कितने कम होगा पता नहीं है। ये तो पूछो सरकार से, क्यों नहीं संख्या बताई, हिंदुओं की संख्या कितनी थी पहले, इस मदरसों में कितनी संख्या है, किसी को पालो तो कोई बताओ, कोई भाई इतने बैठे बताओ। अभी मदरसों शुमारी में हिंदुओं की संख्या कितनी हुई, मुसलमानों की कितनी हुई, ईसाइयों की कितनी हुई बताओ। प्रगट नहीं की शंका छिपा कर रखी है, मेरे समझ नहीं आई है, आप तो बताओ फिर मैं कहना शुरू कर दूंगा। ऐसा हमने सुना है हिंदुओं की संख्या इतनी है, नाश करने उतारू हो रहे हैं बड़े जोर से। अगर आप लोग सुनते हो वैसे कितना आपका पतन हो रहा है, कितने आप नरकों में जा रहे हो, कितने पतन की तरफ जा रहे हो, सुनते हो नहीं, कौन सुनाएगा आप, कौन कहेगा। हिंदू महासभा उसमें रब जुलूस हुआ इसमें दिल्ली में, उसमें मैंने सुनाया लाखों आदमी इकट्ठे हुए, परंतु कोई बोलने वाले नहीं इस विषय में। अभी मैंने सुना है वैद्यनाथ जी अपने गोरखनाथ के जो महंत है वो अवैधनाथ जी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं वो कहते हैं, अखबारों में दिया है। हिंदू को बोलते नहीं, साधु भी बोलता नहीं, कृष्ण भी बोलता नहीं, पंडित भी बोलता नहीं, क्या करें। आप सोचते नहीं हो इतनी बड़ी भारी हत्या कर रहे हो, इतने बड़े भारी पाप में जा रहे हो, थोड़े से आराम के लिए, थोड़े से भोग के लिए
इन्हें बड़े बड़े भाई भयंकर पाप कर रहे हैं, क्या दशा होगी? ये मनुष्य बना है? जरा सोचो आप, माताओं बहनों से कहना है, भाइयों से कहना है, प्रार्थना मैं कर सकता हूँ, बच्चा रो सकता है और क्या करे? आपके घरों का एक बालक हूँ मैं, और मैं क्या करूँ बताओ, क्या कहूँ? रो दूंगा गाड़ी में से, अब रोना आप सुनते ही नहीं, माताएं सुनते ही पुनः हमारी ये बहन माताएं नहीं सुनती, ऊंधी चलती है, उल्टी चलती है, तंग कर रहती है। एक भाई जयपुर में उसकी स्त्री को बहुत तंग किया, नसबंदी करा दो, गर्भ गिरा दो, और कम से कम ऑपरेशन करा दो, ना कहा, उसे पति ने स्वीकार नहीं किया, उसने स्वीकार नहीं किया, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करा दो, मर जाएगी, तब तुम सोना मर जाएगी, ऐसे भयंकर बीमारी हो जाएगी, पर चलना जीना मुश्किल हो जाएगा। उस नारायण ने अभी है कि नहीं पता, जोधपुर में कंपाउंडर है नारायण डॉक्टर जी है, उसने मेरे को सुनाई कई बातें, कितने कितने भयंकर रोग होते हैं, नसबंदी करने वाले पुरुषों के कितने रोग होते हैं, स्त्रियों के कितने कितने रोग होते हैं, प्रजर हो जाता है, खून गिरने लग जाता है, दवाई होती नहीं उसकी, क्यों ऑपरेशन कराया है, अब क्या करे? ठीक तो कर सकते नहीं, अरे बिगाड़ कर सकते हो, बीमारी को बुला रहे हो, अपने वंश का नाश कर रहे हो, विचार करते हो कि हम सत्संग करें, भजन ध्यान करें, अब उस भजन ध्यान करके क्या करोगे आप, क्या करो बताओ? महान भयंकर पाप कर रहे हो, भजन ध्यान की बात नहीं लगेगी, अंतर्गत अशुद्ध हो जाए तो पाप लगेगी। हमारे को कृपा करे भिक्षा मत देना, माताओं कृपा करना, ऐसे घर की भिक्षा हमारे को मत देना, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पापों से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उनका पतन होता है, नाश होता है उसका, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी खराब अन्न खाने से, महान हत्या ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप, पाराशर स्मृति में लिखा है, ये पाप ब्रह्म हत्या रहा द्विगुण गर्भपात में, द्विगुण गर्भपात में प्रायश्चित तंग ऐसी बात। कलकत्ते में एक बहन ने कहा, रोने लग गई, महाराज मेरे को पहले पता नहीं था, मैंने घर गिरा दिया, तो बहन रोटी समय में नहीं दी सकता, क्या करूं, क्या करूं मुझे? बड़ी सरल सी थी कि हमारे को पता नहीं था, इतना पाप है, पता नहीं, और संतान होते नहीं, पहले ऐसे दशा कर ली। हमारे वो डॉक्टर है यहाँ पर कर्मपुर है जोधपुर में लाड़ी, उसने कहा था कि दो तरह का होता है, नसबंदी अगर हो जाए स्त्रियों की तो मैंने किया है, फिर उनकी संतान हो सकता है, ऐसे डॉक्टर ने कहा, मैंने किया है, परंतु काट ही देंगे गर्भ के थैली निकाल देंगे, उसमें इलाज नहीं, वो इलाज हो गई नहीं कभी, वो तो गया सबका खत्म हो गया, जिसके नसबंदी करके बंद किया है वो खोल देने संतान हो सकता है, उसने लाडी ने कहा था है, मैंने किया है ऐसा एवं संतान हुआ, तो कृपानाथ अब कृपा करो मेरे पर, महापाप से बचो, महापाप से दुगुना पाप, महा महापाप दुगुण गर्भपात में ऐसे पात्र में बचो, क्यों मुफ्त में भोगों में फंस करके पाप कर रहे हो, क्यों अन्याय कर रहे हो? ये गर्भपात करने की, ये गोलियां देने की, जवान एक स्त्री मेरे को शर्म आई, उसने कह दिया मैं तो गोली खा लेती हूँ, सारी की शर्म नहीं आती, क्या बोल रही है? मैंने कहा मेरे सामने जवान छोरी, मेरे सामने छोरी है पहले 20 वर्ष हुई है, ये बोल रही है, वो तो शर्म नहीं, मेरे को शर्म आ गई, मैं तो गोली खा लेती हूँ, गर्दन सही ऐसी निर्लज्जता आप में आ गई, सुलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा कुलंगना, बेशिया हो लज्जा करे तो सुलज्जा गणिका नष्टा बेशिया अपने नष्ट हो जाती, निर्लज्जा कुलंगना ऐसे कुलीन घराने की स्त्री निर्लज्ज हो जाती है तो नष्ट हो जाती, अब निर्लज्ज होकर के ऐसी बात कह रही, मेरे सामने कहा कि वो गोली खा ली थी, अब स्त्री अगर ऐसे मेरे सामने के मन शर्मा उनको शर्म ही नहीं, आप क्या बताओ? ये दशा हो रही है हमारी बहनों की,
बहना माताओं कृपा करो हमारे पर, ऐसा अत्याचार मत करो, पाप मत करो, भाई लोग है आप सावधान रहो, ऐसे दुश्मनी और मत करो, अगर करो आपके संतान ज्यादा न हो जाए, संयम पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, शरीर ठीक होगा, सब तरह से फायदा होगा, शरीर अच्छा रहेगा आपका, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ तुम संख्या बढ़ाओ, संतान अधिक करो। मुसलमान का व्याख्यान मैंने सुना है, उसमें कहा कि लड़कियां ज्यादा पैदा होती है, एक आदमी दो तीन शादी नहीं करेगा, लड़कियों की क्या दशा होगी, इस बार लड़कियां दो दो तीन तीन चार चार शादी करना चाहिए। मैंने अपने कानून सुना व्याख्यान मुसलमानों का, ये करते प्रसार में जैसे दो चार प्रकरण सही है। हिंदू दो ब्याह नहीं कर सकता, नेहरू जी ने बंद कर दिया हिंदू दो ब्याह नहीं करे, मर्जा वो तुम जो कर सकते, नहीं तो दो विवाह नहीं कर सकते। जैसे 5-7 करोड़ रूपया सब खुली है तो संतान पैदा करो, 3 स्त्रियों के 60 लड़का लड़की, 20-20 पूरा पता नहीं कितने कितने हुए, 60 लड़का लड़की ऐसा शादी करने को तैयार है, फिर करूंगा फिर इसमें क्रिया बड़े जो बढ़ रही है, जैसे क्या हो, बेरोजगार वोट का जमाना है, करे संख्या करे है संघ शक्ति कलयुग में, संघ में समुदाय में शक्ति है तो समुदाय किसका बढ़कर होगा। दो अक्षरों की सेना दुर्योधन ने ले ली चालाकी से, जिसे दो अक्षर से 4 अक्षरों की सेना बढ़ गई, उनकी 7 हो गई, उनकी 11 हो गई। ये महाभारत की कथा है, सुनी होगा आपने, ये पढ़ लो महाभारत। शल्य आया था जो मामा था माधुरी का भाई, मामा जी वो आए थे अपने भांजों की सेवा करने के लिए पक्ष में, बीच में दुर्योधन ने सत्कार किया, आदर किया, हरेक प्रसंग में बोल किया, अंत में दुर्योधन मिले कि मामा जी कोई दुख तकलीफ तो नहीं हुई है, फिर प्रबंध गाओ का सब हाँ हमारा ही कोई, तो तुम क्या चाहते हो कि हमारे पक्ष में आ जाओ, अब सब सजाई मेरे पक्ष में पक्ष में कर दिया। कृष्ण भगवान के यहाँ गए तो पहले अर्जुन गए, दोनों को हमारी लड़ाई हो रही है, कृष्ण भगवान बोलेगा महाराज आप हमारा पक्ष लो, वो कहते हमारा पक्ष लो, पहले अर्जुन गए, दुर्योधन गया पहले, पहले दुर्योधन पहुंचा तो सिंहासन पड़ा था सिराने में, उसको दुर्योधन बैठ गए, अर्जुन पीछे पहुंचा, वो सोते थे भगवान, आज जोड़ खड़ा रहा, नींद खुलते ही अर्जुन आओ तो दुर्योधन भगवान आज मैं पहले आया हूँ, आज श्रेष्ठ पुरुषों में आप बड़े अच्छे श्रेष्ठ पुरुष हो, और श्रेष्ठ पुरुष पहले दिन निमंत्र हो जाए उसकी सहायता करते हैं, मैं पहले आया हूँ इस बात से मेरी सहायता कीजिए, आप श्रेष्ठ पुरुष है मानता नहीं था और ढंग नहीं दिख रहा है उसने, माँ बाप देखो देखो आप पढ़ो। तो भगवान ने कहा भाई आए तुम पहले हो, मैं मिला अर्जुन पहले, अर्जुन पहले मिला आप पीछे मिले हो, वो बोला थी हूँ कहीं भगवान की, भगवान टेढ़ी मेरी तो हो गई, वो फायदा हुआ उसको चला किसे, ये कहीं भगवान ठीक है आप पता नहीं क्या, हमारे पक्ष दोनों के पक्ष लूंगा, मैं दोनों के पक्ष लूंगा, दोनों आए हो दोनों आए सा चले ठीक है पास हो, परंतु बात है मेरी एक, मेरी बात यह है कि एक तरफ तो शस्त्र बिना चलाए हुए निश्चित में रहूंगा, एक तरफ हमारी एक रोजी सेना रहेगी, इन दोनों में पहले अर्जुन को दिया जाए कि दुर्योधन बड़े से दुर्योधन भीमसेन बरोबर से, अर्जुन था छोटा, तो भाई पांची जहाँ होती है उस पांची छोटे की होती है, पहले अर्जुन को कहा इन दो में से अर्जुन किसी को दे दे, दुर्योधन माता ठाका मुश्किल हो गई, पर वो अर्जुन ने कहा मैं तो आपको लूंगा, अरे मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, शस्त्र तो नहीं लोगे चाबुक भी नहीं लोगे हाथ में लगाओ, मेरी बागडोर आपके हाथ में रहेगी, जिसकी बागडोर जिसके हाथ में उसकी विजय में वो संदेह अब वो शस्त्र मिलेगा। दुर्योधन राजी हो गया, बड़ा खुश हुआ, अजय कहा आज
कृष्ण के प्रेमी को मैं ठग लाया हूँ, कृष्ण को ठग लाया हूँ, एक रोने सेना मेरे पक्ष में आई। कृष्ण वर्मा उसका सेनापति था, यादव कृष्ण वर्मा, वो सेना सब पक्ष में होंगे। और वो शल्य की सेना दो अक्षरों की सेना पांडवों को ली, दो अक्षरों देने से चार अक्षरों होगी, सात अक्षरों जाएगी। ऐसे आप में यहाँ जन्म लेगा नहीं, कहा जन्म लेगा, ईसाइयों में लेगा, यहूदियों में लेगा, पारसियों में लेगा, हिंदुओं में जन्म ले नहीं आप, क्योंकि हिंदुओं में सब कर पास कर सेवा कर पर कर दीजिए, उसमें खुला है मैं जन्म, तो वहां जन्मेगी। आपके एक दिनों घाटा होगा, वहां दो गुना फायदा हो जाएगा, क्या नुकसान होगा। इसका अर्थ ये नहीं है मैं मुसलमानों को नहीं चाहता हूँ, खराब करता हूँ, उसका पतन चाहता हूँ, मेरी किसी का पतन नहीं है, न मुसलमानों का न ईसाइयों का, किसी का पतन, सर्वे भवन दुष्कृण, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्वत्, कोई पाप का भागीदार बने ये मेरा कहना है। तो आप हिंदू होते हो क्यों बड़ा सत्यानाश कर रहे हो, क्यों महापात्र के भागी बन रहे हो, कृपा करो जरा थोड़ी से तो कृपा करो। पुत्र मैंने जोर से कहा था कई वर्षों के बाद से, पहले 15-20 वर्ष हो गया हुआ, कि आप चाण मिलकर करो भी हम अपना वंश नष्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हम इसमें तो जबरदस्ती करता नहीं, अभी तक जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती सोडा किया था इंदिरा ने, जो क्या दशा हुई हार गई उसमें, जबरदस्ती की थी, जबरदस्ती नहीं करते है, करें तो फिर दूसरी हो जाएगी, इस वास्ते आप कृपा करो, इतनी सी दक्षिणा को हम मांगते हैं आप लोगों से, आप यहाँ घर पर आए हैं, कृपा करो, नहीं दर्शन दे नहीं कराएंगे, ऑपरेशन नहीं कराएंगे, गर्भपात नहीं कराएंगे, लोग नहीं लगाएंगे, संयम रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, भाई बहन सब ठीक तरह से, हमें कोई मना नहीं, हमारे वंश बढ़ाना है ये तात्पर्य नहीं मेरा, मेरा तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आप निरोग रहो, अच्छे रहो, स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, हम तो उसी पक्षपाती, हम कोई संतान के पक्षपाती नहीं है। चोरे कहते हैं, जोर से कहते हैं, क्यों पत्थर प्रदान करो, अपने श्रद्धा नाश करो। विनोबा भावे ने लिखा, मैंने पढ़ा है कि हर सलाह और बीज मत डालो, क्या फायदा होगा, ये दृष्टान दिया, संतान न हो। विनोबा भावे जो भी कांग्रेस में माननीय संत थे, उन्होंने ये बात लिखी है, आप किसकी सुनोगे बताओ, नाश होने की बात सुनोगे आप, पतन की बात सुनोगे, महान पाप की बात आप सुनोगे, पर शुद्ध बात आप सुनते नहीं। मैं पाप की बात करेंगे नहीं आया हूँ, मैं आपका वंश ठीक रहे, आप हरे भरे रहो, भरो भरो फलो फूलो मस्त रहो, आप ये चाहता हूँ मैं, पसंद नहीं चाहता, पसंद मुसलमानों में नहीं चाहते, ईसाइयों का भी नहीं चाहता, मुसलमान हमारे सत्संग में आते, ईसाई भी कोई कोई आते, कोई कोई मुसलमान भी आते, और आप आते हो सब मुख्य रूप से आप लोग आते हो, लोग माए भाइयों से माताओं से सज्जनों से सबसे प्रार्थना है, अब भी अगर छोड़ दो तो कुछ तो बचा हुआ हिंदू बचे समाज, मैं फिर भी जोरों से चल रहा है। अरे वो घोषणा होगी राजस्थान में कि जो संतान स्वाधी हो तू अलिश मकान नहीं हो, पंच नहीं हो, सरपंच नहीं होगा, वो कितना अत्याचार कर रहे, कितना अन्याय कर रहे, अरे आप सह रहे हो चुपचाप, गायों की कितनी हत्या, चार पांच गुना छह गुना कर गोहत्या, अंधा अधिक हो रही है, ज्यादा बढ़ गई है, स्वराज होने के बाद में गोहत्या बंद हो नहीं, बंद गई बहुत बढ़ गई है, क्या विचार ही नहीं करते, ना गोहत्या की तरह विचार करते, ना अपनी हत्या की तरह विचार करते, आपका वंश नष्ट हो रहा है, आपकी गौ माता नष्ट हो रही है, काटी जाती हजारों की संख्या में रोजाना, ये पैदा तो होती नहीं है। यहाँ मेला में जो नागोरी बैल बढ़िया होते हैं उनके बसरों को दसरियों को ले जाकर खत्म कर देते हैं, मांस बिकता है महाराज 80-90 रुपए शेर तो किलो, बसरा बसरी का मांस 100-200 रुपया किलो, ऐसा मैंने सुना, इतना बढ़िया मांस होता है, तो उनको मारते हैं, बसरे उनको मार दो, आओ का बसरा हो उसका मांस बहुत
इसलिए ताकतवर होता है। जो संसार कर दिया है वो मंगू से नहीं रहता, हमारे पुरुषों को इसलिए सब संसार कर दिया, सब इतनी काट दी, जो विकास दशा होगी मांस बढ़िया नहीं होता उसका, उसका मांस इतना बिक्री में इतना नहीं होता, जो आपका बस रहा है उसका मांस इतना तेज होता है, उतना तरी बनाने पर वैसा नहीं होता। ये बात हमने सुनी है बिल्कुल, और कई सारे उसका मांस बिकता है बड़ा तेजी से, 100-200-300 रुपया किलो ऐसा मांस बिकता है, तो उसी को काट करके बिल्कुल तो बसरा बसरी नष्ट कर दिया जाए, गाय किसकी होगी, कैसे होगी, कैसे गोबर से बढ़ेगा, बढ़ने की बात दूरी नाश हो रहा है। घरों में गायों को रखो, आप खेती करते हो, खेती का गाय का संबंध खास है, खेती से गाय को पुष्टि होती है और गाय से खेती को पुष्टि होती है, गोबर और गोमूत्र से पुष्टि अच्छी होती है, वो न होकर विलायती खाद लाते हैं। अमेरिका में विदेशों में खाद पे देख रहे जमीन खराब हो गई है, जिसमें रुपया 1.5 रुपया किलो गाय का गोबर बम्बई में जहाज भर के जा रहे हैं, मेरे को सुनाया है इतना गोबर मिलता है, बहुत कीमती गाय का गोबर, वहां से उर्वरा हो जाए जमीन, हमारे 100-200 वर्ष की ढाणिया है उनका खेत कभी बोझा उठाई नहीं, पर उठाई नहीं, गाय बैठती है, गाय संघर्ष करती है, गाय गोमूत्र करती है, गाय गोबर करती है, उसे सदा नया बना रहता है, तो गायों से सत्य होता है, उनका सत्यानाश कर दोगे, नाश कर दोगे, क्या दशा होगी, जमीन खराब हो जाएगी। अब बिलासपुर खराब हो गई है जमीन, बम्बई में जहाज भर भर करके गोबर ले जा रहे हैं, जिस गोबर से आगे उर्वरा हो जाए, जमीन बढ़िया हो जाए, जिससे अनाज मिलते, वो न करके आप ऐसा कर रहे हो, आपके घर की इतनी बड़ी भारी संपत्ति किसमें जा रही है, किधर जा रही है, ये ध्यान दिया आपने, ख्याल नहीं करते हो, बैलों को काटने से क्या दशा हुई है, गांव में मैं जाकर देखा, गांव में पानी नहीं मिलता, खिंदा सर से पानी दिया जाता है, मिठड़िया और वो खिखनिया, अब पानी तो बंद हो गया कि 20 रुपया लागू हो जाएंगे महीने में, 20 रुपया लोग लागो कहां से, पानी बंद कर दिया, खिंदा सर की बात है, बीती हुई बात, नेशान बात है, जल्दी कल से पानी निकलता है, घर के बैल घर की लाल घर का सरस ठीक तरह से काटते पीते थे मोल से, बैलों को काट दिया, सब बैल कट जाएंगे, बैलों की ट्रकों में भी मैंने देखी है, जवान जवान बैल ट्रकों भरे हुए मैंने देखे, कटने वाले जागे हुए, कलकत्ता में टोली का टोली बैल जा रहे हैं कटने के लिए, जवान जवान बैल, ना हो तो बूढ़े बैल काटते, गोचिया सरोसा बंद नहीं होगी तब तो जवान गाय और जवान भैंस बैल मिटेंगे, क्योंकि उनका मांस बढ़िया होता है, बूढ़ों को मांस होता बढ़िया होता नहीं, तो वो हाँ बैल काटने की खुली हो गई, क्या दशा होगी, पानी नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, ध्यान दो आप, अन्न जल और कपड़े बिना कैसे जीवोगे आप, अन्न पैदा होता खेती से, कपड़ा पैदा होता खेती से, और जल निकलता है यहाँ पर बैलों से, वो सब बंद हो जाएगा तो क्या दशा होगी, अभी आप राजी हो रहे हो, कल लगा दिया उससे पानी निकलता है, ट्यूबवेल लगा दिया, सो की बात है, कितनी जगह लगेगा तो बंद हो जाएगा, तब दशा क्या होगी, दशा मरते हैं लोग गाँव में, पानी नहीं मिल रहा है, जोधपुर में पानी की बड़ी तंगी आ रही है, यहाँ से मथानी से पानी जाता है पाइप के द्वारा, जवाई बांध में पानी वहां कम हो गया, अब वहां मिलता नहीं, नहर चलती है वो, बम्बई में 30 दिन का पानी रहा है, 30 दिन का फसल जयराम जी, ये दशा हो रही है, वर्षा कैसे होगी, घास पैदा नहीं होता, अन्न पैदा नहीं होता, क्यों नहीं पैदा होता, कि पशुओं को तो फाल के मनुष्य खा जाएंगे, तो मनुष्यों को अन्न की जरूरत नहीं, अरे पशुओं को मार दे घास की जरूरत नहीं, घास की तो पशु रहे तब जरूरत होती है, और मनुष्यों को खाने की जरूरत होती है, मुर्गा खाओ मछली खाओ और पशुओं खाओ और मार दो खा जाओ,
तो तुम्हारे खाने में तो पशु काम आ जाएंगे, तो पशुओं की ऐसी जरूरत नहीं, आप रहने की जरूरत नहीं, वर्षा क्यों करे राम जी, ऐसी दशा होगी। बड़े बड़े काल पड़े जिनमें अनाज फसल सस्ता, आज कहते हैं नहीं हमारे अनाज बहुत हो जाएगा, नुकसान है अनाज का। 10-12 शेर की कनक बिकती थी 56 के समय, जो बड़ा भारी काल पड़ा था। नाभी काको भत्ती जो साथे दिन काटो, घर में घाटो नहीं आटे रो घाटो, मामो भाने जो साथे दिन तोड़ो तोड़ो, चाल नहीं फुलको रो फोड़ो। 56 की शरण कैसी 56 दशा भी थी, उसमें भी अनाज सस्ता था। आज ये चीजें लगे है बगल भी पाज करो नहीं बंदा और बंदा कम ले रहे, शेर दो शेर का आदमी मिलता है, शेर का नहीं मिलता, सुनिए मांस नहीं मिलते, ग्वार नहीं मिलता गायों का, गन काट काट कर बेच रहे हैं। खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा तो क्या दशा होगी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा तो क्या दशा होगी, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो क्या दशा होगी। बैलों के कट जाने से ये सब अन्न भी होता है बैलों से, जल मिलता है राजस्थान में बैलों से, कपड़ा होता है बड़ी खेत से, बिना ही नहीं होगा, बढ़िया ही नहीं होगी तो कुपास कहाँ होगा, अरे कहाँ से रुई होगी, अरे कहाँ से आपका कपड़ा बनेगी। कृपा करो कृपा नाथ, अब भी चेत कर लो तो अच्छी बात है, बहुत समय चला गया है, बहुत नाश हो गया है, फिर नाश हो रहा है, अब भी अगर बंद कर दो तो बड़ी अच्छी बात है। आप गांव में प्रबंध कर दो ऐसा कि नहीं हम नशबंद नहीं कराएंगे, हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, हम लोग बंदी नहीं कराएंगे, अभी जबरदस्ती नहीं करता रहा, अगर कानून बन जाएगा जबरदस्ती करेगा। फिर राज क्यों का हुआ, रावण का हुआ है, कंस का हुआ है, पर ऐसा अच्छा सा नहीं हुआ। आज दश क्या दशा हो रही है, हम निंदा नहीं करते, हम विरोधी नहीं है, परंतु हम पाप के विरोधी हैं। आप सत्संग सुनने के लिए आए हैं, धर्म का अनुष्ठान करने परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हैं, उसका ही नाश कर रहे हो तो क्या दशा होगी, कौन सुनेगा धर्म की बात, कौन सुनेगा, कौन कहेगा, सब ऐसे ऐसे हो जाएंगे, चोर चोर माशे ही भाई सब ऐसे एक मुकाम जाएगा, कौन बताएगा सब। हमारे तो बड़ा दुख होता है, बड़ा करे क्या, सुनते नहीं आप लोग, आप लोगों का अन्न खाते हैं तो सुनाना मेरा काम हो जाता है, कम से कम खाड़े में मत पड़ो, नरकों में मत जाओ, कम से कम बड़ा वंश बस जाए, हमारे को भी भिक्षा की रोटी मिले से बस जाओ, अच्छी बात है, पर तो मानते नहीं सर। क्या रिसर्च नहीं हुआ है इसे, अब बोलो भाई मेरे भाप से मन की बड़ा ही बोल रहा था कल भी जोर से, मैं करूं क्या, किसको सुनाऊं, हमारे को दुख हो रहा है, आपके वंश का नाश हो रहा है, हमें दुख हो रहा है, परंतु आप परवाह ही नहीं करते, ना हमारी बहना परवाह करते, ना हमारे भाई परवाह करते, क्या करें, किसको जानते हैं, कहां गोए हम, सोचा कौन है हमारी। अगर ऐसा ही है कि संसार कम हो, धन से जगह पालन करो, संयम रखो, देखो आपका सही ठीक हो, तंदुरुस्ती भी ठीक होगी, कोई पाप नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। अगर ऐसा ही तो सुनते चलो, उल्टा क्यों चलो, शरीर का तो नाश करो, संतान न हो, ये कोई बुद्धिमानी है, समझदारी है, ये शरीर का तो नाश करना, संतान नहीं होना, बहनों माताएं भी उसे नाश कर रही, संतान नहीं है, पुरुष भी अपने शरीर का नाश कर रहे हैं, तो संतान न हो। पुरुषों में स्त्रियों में दोनों में शक्ति नहीं, पुरुषों में गर्भ स्थापन करने की शक्ति नहीं रही, स्त्रियों में गर्भ धारण करने की शक्ति नहीं रही, तो आपको क्या कहे, हिंजला कहे, क्या कहे बताओ, स्त्री नाम नहीं होता, स्त्री नाम उसी का होता है जो गर्भ धारण करे, शुक्र शोण से इकट्ठा होकर जिसमें गर्भ धारण करे उसका नाम स्त्री है। आप सिद्धांत को पढ़ो, व्याकरण में लिखा है बात, स्त्री स्त्री शब्द संघाती धातु से बनता है, स्त्री बनता है जिसमें ये शुक्र शोणित इकट्ठा होकर संतान पैदा हो, वो आपको पैदा कैसे होगा, स्त्री नाम कैसे होगा,
जो गर्भ नहीं धारण करती वो स्त्री नहीं, अगर स्थापन कर नहीं सकता वो पुरुष कराने लायक नहीं है।